Did you see her? She's damn hot, man. Yeah, let's call her. She's coming here only. Definitely. Yeah, see? Hey, Avantika! Hello! I'll just come, okay? Wow, she's gorgeous. Oh, really? Look at her. No, no, yeah, she's not bad. She has a nice body. Come on, man. You can do it. Go, talk to her. Seriously? Come on. Yeah. Excuse me. An innocent Indian girl coming your country, working here and there, and putting red hair, and you guys are commenting bloody rocks? Hey, who are you? Why don't you mind your business? Just go from there. Listen, shut up. If you're abusing, abuse it in Hindi. At least I can understand. You want are you leaving or you want me to help you? Please take your seat. Please take your seat. Hey, tell me when the order is ready, okay? Hey, those guys are talking about you. Come on, you can do it. Come on. Go, talk to her. What are you thinking? You're beautiful. You are a very handsome boy. What are you doing, man? Give her more. Come on, more, more. Yeah, why me? I'm telling you. Okay. Hey, did you look at him? Look at him, look at him. Hey, hey, we've got her, bro. Hey. Did you see that? But she's then, his. Man. His, yeah. Understood? Yeah. Loser. Go find someone else for yourself. Life is a game of cards. Your love is a pair of swords. Go, go, talk to her. Go, talk to her. Come on, go talk to her. Hey, beautiful. Should we go for a coffee? What do you say? Just shut your mouth and get lost. You don't like coffee? Tell me. Just buzz off, okay? Oh, okay, okay, no problem. इसीलिए मैंने कहा था, she is mine. Go, 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 go. Such a dangerous babe. I love you more. Give me more. डॉक्टर ने क्या कहा माँ? कुछ नया नहीं. वही ब्लड प्रेशर ज्यादा है, शुगर पर कंट्रोल करना होगा और क्या. आप कभी साफ साफ नहीं बताती. ये डॉक्टर मुझे दवाई देना बंद कब करेंगे, जबकि मैं जानती हूँ मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ. माँ, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, अब और ज्यादा नहीं देखना चाहती. आप उसके बारे में इतना क्यों सोचती हैं? वो नालायक है, उसे नहीं पता जिंदगी में चीजों को कैसे संजो कर रखा जाता है. मैं जानती हूँ उसे मेरी बिल्कुल भी कद्र नहीं है. आप देख लीजिए कमा, एक दिन जरूर होगी. इसी बात का तो डर है, कहीं उसके जानने से पहले मुझे कुछ हो गया और मैं, तब उसके लिए बहुत मुश्किल होगी. माँ, जिस दिन उसे इतना प्यार करने वाली मिल जाएगी जितना मैं उसे करती हूँ, मैं चैन से मर पाऊंगी. मुझे उससे बात करनी होगी. तो जल्दी फ्लैशबैक में 1928 में एक अंग्रेज भारत से कुछ मजदूर ब्रिटिश ले गए ताकि वो वहाँ पर एक बेकार सा पुल बना सकें. उन्हीं में से एक थे मेरे बॉस के दादाजी. आते समय उस शिप के कैप्टन की मौत हो गई. वैसे वो कैप्टन बहुत ही बदमाश था. सारे हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों को जहाज से नीचे फेंक दिया और फिर वो जहाज इंग्लैंड जाने के बजाय सीधे पहुंच गया पोर्चुगल. और उन लोगों ने उस जहाज को रिश्वत के तौर पर दे दिया वहां की लोकल गवर्नमेंट को, और उसके बदले उन हिंदुस्तानियों को उपहार के तौर पर एक जमीन दी गई जिसका नाम था कैसेंड्रा. उनके दादाजी वहां पर आराम से जिंदगी गुजारने लगे. जहां स्मार्टफोन तो नहीं थे लेकिन जिंदगी स्मार्ट थी. उन्होंने वहां बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया. अपने सारे रिश्तेदारों को उन्होंने कैसेंड्रा में बुला लिया और धीरे धीरे वहां की आबादी भी बढ़ने लगी. जहां पहले आबादी 752 थी वो बढ़कर अब 36,000 तक पहुंच गई थी. और धीरे धीरे वहां पर एक छोटा सा हिंदुस्तान बस गया और वो लोग बातचीत में पुरानी हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे, जैसे कि ब्रेकफास्ट को अल्पाहार, गुड आफ्टरनून को शुभ मध्यवेला और गुड मॉर्निंग बन गया शुभ दिन. मैं यहां पर पिछले 2 सालों से रह रहा हूं लेकिन इनकी भाषा मेरे पल्ले तो बिल्कुल नहीं पड़ती. फिर भी मैं इस भाषा को समझने की पूरी कोशिश करता हूं. दिस इज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 1928 हिंदी फर्स्ट बैच ऑफ कैसेंड्रा. मेरे बॉस की पूरी कहानी अलग हुई होती अगर उनके दादाजी उस जहाज में